you for next two chapter, which can also have 11 marks. Statistics and probability. Statistics में मुझे चार चीजें टोटल आनी चाहिए. आपको कल मीन दे देगा, वो वाला मीन नहीं कितना कमीन है, मीन. और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे बात करेगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी. अगर कोई मेथड नहीं बोले देन वी हैव अ डायरेक्ट मेथड. X bar is equals to summation of xi fi upon, where xi stands for, xi stands for class mark, that is upper class limit plus lower class limit divided by. दूसरा मेथड, अगर मेथड स्पेसिफाई कर दे या आपकी अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो इससे फास्ट इससे हो सकता है, दैट इज ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन. अब यहां दो नए टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है एज्यूम्ड मीन, जिसको हमें एज्यूम ऑलवेज किससे करना है, और कोई जब एज्यूम करना है तो दिमाग में ये मत रखना मिडिल वाला लेंगे, क्योंकि अगर दो मिडिल आ गया कंफ्यूजन, xi में से जो पसंद है उसको ये मान लो. दूसरा वेल di डेविएशन, आप लोग कितने पढ़ाई से डेविएट हो आपको पता है, यहां पर डेविएशन है भाई कि हर ऑब्जर्वेशन को हम मीन से सब्ट्रैक्ट करते हैं. You can say that we are subtracting the assumed mean from every observation. और यहाँ से जो result आता है उसको क्या नाम देते हैं? Di. और जब di को fi से multiply करके summation of fi करेंगे and add this we get a value of mean, and this method is called assumed mean method. Agreed? अब जो तीसरा बता रहा हूँ I नहीं है, we don't know. एक बार फॉलो अप के लिए थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहिए. इसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड. इसी को कभी कभी एग्जामिनर बोलता है शॉर्ट कट मेथड. एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एच यू बार. यू बार क्या है? समेशन ऑफ fi ui upon summation of. अब ui क्या है? ui calculated as xi minus a upon. h क्या है? class width. तो formula का concept समझ में आ गया, और teacher ने अगर specify किया I hope तभी अपन use करना चाहेंगे इसको, otherwise my direct method is the most convenient method to use the formula for mean, either missing or mean is given. क्योंकि कभी कभी वो क्या करते हैं पेपर को थोड़ा आसान बनाने के लिए, mean उसी क्वेश्चन का median और उसी क्वेश्चन का mode. तो मैं आपको स्मार्ट तरीका बता दूं, क्योंकि तीन में से मैं कोई दो सॉल्व करूंगा, और तीसरा एम्पिरिकल फॉर्मूला से पता कर लूं.